हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आशा राज गुप्ता के चैनल पे। तो चलो गाइस, आज हम आपको बनाएंगे पनीर की सब्जी, पनीर रेसिपी। सो आप देखना नहीं भूलिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑयल के साथ हमें थोड़ा सा घी भी लेना है, इससे हमारे पनीर का स्वाद और भी अच्छा है। ये मैंने ले लिया है गोल मरीच, लौंग, थोड़ा सा बड़ा इलायची, दो मिर्च, तेज़पत्ता, तीन मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, जीरा, धनिया, एक टमाटर प्यूरी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 150 ग्राम पनीर और ये हमारे कुछ मसाले हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक एंड गरम मसाला। फिर सो चलिए हम रेडी करते हैं। हमने पनीर को हल्दी मिर्च नमक से मैरिनेट कर लिया है सिर्फ 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए पनीर डाल देंगे। ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा पनीर फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल देंगे। अब ऑयल हम नहीं डालेंगे, इसी ऑयल में हम बनाएंगे। एक तेज़पत्ता, दो मिर्च, चटपत्ता, लौंग, इलायची और जीरा। इसे चटकने देंगे और इसमें हमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। प्याज बहुत फ्राई हो रहा है, इसमें डाल देंगे सूखा प्याज का पेस्ट और अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से हमारा प्याज जल्दी गल जाता है। प्याज को हम जब तक पकाएंगे तब तक ही ब्राउन ना होते इसका कलर। आप देख सकते हैं मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो हमारे मसाले हैं वो डाल देते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया था आप सबको, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला को हम बाद में डालेंगे और नमक, ये सब को हम मिक्सर डाल देते हैं। और मसाले को हम पका लेते हैं अच्छे से भून लेते हैं। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारा मसाला सटे में और इस पिक्चर मसाला को हम ले लेंगे। एक कचरा मसाला हमारी पकने जाती है। हमने 2 से 3 मिनट मसाले को पका लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे। 5 मिनट हमें हो गए हैं, देख सकते हैं लगता है मसाले पक गए हैं, टमाटर भी पक गए हैं। क्या कलर इसका, बहुत टेस्टी लग रहा देखने में। अब इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश मलाई। दो मिनट और पकाते हैं इसे। 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसमें पका लेंगे ढक के। दो से तीन मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। एकदम बढ़िया पनीर हमारा रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे।
अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। गैस कुकर देंगे ऑफ और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ पसंद हो खा सकते हैं। सो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। अब पसंद आया हमारा रेसिपी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।